आंखें की पट्टी भी निकल चुकी है, जो ऑपरेशन हुआ था उसकी पट्टी निकल गई है, अभी थोड़ा सूखने के लिए बाकी रह गए हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे आ सकते हैं? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हमने मॉर्निंग में स्टार्ट कर लिया अपना ब्लॉग, जो मैंने कमरे की पूरी सफाई कर दी है, क्योंकि आज हम लगभग 15 दिन के बाद अपने रूम में सोए थे, क्योंकि 25 तारीख से हम हॉस्पिटल के दर्शन के बाद घर में आ ही नहीं पा रहे थे। और घर में कल आए थे तो हमारा कूलर भी ख़राब हो गया था, फिर इसको कल बनवाया है, तो आज फाइनली आज हम रात में इस पर सो पाए हैं। और सोने के बाद आज मैंने सुबह पूरा काम कर लिया है। काम करने के बाद यहाँ पर मैंने अपना दलिया बनाने के लिए रख दिया है, जो कि हमारे पति देव खाते हैं, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है इसीलिए वो दलिया खाते हैं। यहाँ पर मैंने चाय के बर्तन इकट्ठे करके रख दिए, क्योंकि दलिया के बर्तन निकलेंगे, इसके बाद ही मैं बर्तन को साफ करूँगी। यहाँ पर ये मेरा एरिया, मेरा किचन, छोटा सा किचन, तो यहाँ पर बनके तैयार है दलिया, पीने के लिए इसमें डाल दिया है, तो लेकर चलते हैं। अभी तो इसको गर्म है तो लेकर जाती हूँ। तो यहाँ पर दलिया हमने रख दिया है इधर। अब आप कहेंगे ये कैसा दलिया है, तो ये मरीजों वाला दलिया है, जो कि पतला एकदम पानी जैसा होना चाहिए, जिसमें दलिया तो नाम के लिए दिखे, ओनली पानी पानी दिखे। ये है हमारे मरीज, इनके लिए बना स्पेशल दलिया। ये तैयार है खाने के लिए। ज्यादा लग रहा होगा, जाओ बताओ। अभी देखिए इनके टाके की पट्टी भी निकल चुकी है, जो ऑपरेशन हुआ था उसकी पट्टी निकल गई है, अभी थोड़ा सूखने के लिए बाकी रह गए हैं। देखते हैं कब तक ठीक हो पाते हैं। दवाइयाँ चल रही हैं बराबर, और खाना पीना भी चल रहा है। अभी तो सुबह सुबह का नाश्ता था, जो कि चाय और टोस्ट के साथ पूरा हो गया है। अभी दलिया खाने के बाद टैबलेट खाएंगे, टैबलेट खाने के बाद फिर 12-1 बजे फिर दाल के साथ रोटी खाएंगे 2-3, उसके बाद शाम का भोजन। तो ये मरीजों का ऐसे ही इस तरह चलता रहता है। किन किन के यहाँ पर इस तरीके से मरीजों को खाना दिया जाता है, ये है डॉक्टर की डाइट स्पेशली। अच्छो ना लग रही हो, आज तो हल्को सा नमक भी डाल दो है, ओदना से ओदना तो फीको मिलते हो तो नमक ही नहीं डालते, क्योंकि नमक ही मना कर रही है इसीलिए नमक नहीं डालती है। एन हल्को सा डाल दो, मैंने कल तुम कह रहे थे ना नमक नहीं डालो, इसीलिए आज नमक।